हालेलुया। सो एक वचन हम लोग पढ़ेंगे यशाया 43 अध्याय और 7 वचन। यशाया 43 अध्याय और 7 वचन। यशाया 43 अध्याय और 7 वचन। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। सो अब इसको ध्यान से समझिए। परमेश्वर कहते हैं हर एक जो मेरा कहलाता है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, जितने लोग मेरे साथ लाइव हैं और हमारे बीच में हैं, आज इस गहराई को समझें, आज परमेश्वर के प्रेम को समझें, आज आप अपनी स्थिति को समझें कि आप प्रभु में कौन हैं। परमेश्वर कहते हैं तू मेरा कहलाता है। परमेश्वर ये मुझसे भी कहा और आज से कह रहे हैं तू मेरा कहलाता है। परमेश्वर आपसे कहते हैं तू मेरा कहलाता है। परमेश्वर आपसे कहते हैं तू मेरा कहलाता है। परमेश्वर आपसे कहते हैं तू परमेश्वर आपसे कहते हैं तू मेरा कहलाता है। हालेलुया। तू मेरा कहलाता है, तुम मेरा कहलाता है। दूसरे लोग कहते हैं ये परमेश्वर वाले हैं। दूसरे लोग कहते हैं अच्छा ये परमेश्वर मसीह वाले हैं, ये परमेश्वर वाले हैं, ये तो परमेश्वर वाले हैं, ये तो परमेश्वर मसीह वाले हैं। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर यहोवा कहते हैं तू मेरा कहलाता है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर मसीह पिता हमारा उद्धार करता, परमेश्वर मसीह कहते हैं आपको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है। आपको परमेश्वर कहते हैं आपको आपको परमेश्वर कहते हैं आपको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है। तू मेरा कहलाता है, तुझको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुझको मैंने रचा और मैंने बनाया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप इस बात को समझिए, एक एक व्यक्ति से परमेश्वर आज बात कर रहे हैं। परमेश्वर आपसे कहते हैं, परमेश्वर आपसे कहते हैं, परमेश्वर आपसे कहते हैं, परमेश्वर आपसे कहते हैं, आपका नाम लेकर कहते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आपका नाम लेकर परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं प्रियंका तू मेरा कहलाता है, तू मेरी कहलाती है। परमेश्वर कहते हैं मैंने अपनी महिमा के लिए तुझे सृजा है। परमेश्वर कहते हैं मैंने रचा है और मैंने बनाया है। हालेलुया। मैंने जैसे एक नाम लिया, आप सब से परमेश्वर कहते हैं हालेलुया। इस गहराई को समझे। परमेश्वर कहते हैं तू मेरा कहलाता है, तू मेरा कहलाता है, तुझे मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है। इसलिए याद रखें हम परमेश्वर के कहलाते हैं, हम परमेश्वर के कहलाते हैं। हमें परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए सृजा है, हमें परमेश्वर अपनी महिमा के लिए सृजा है। मुझको परमेश्वर ने रचा और बनाया है। इसको आप इस प्रकार से अंगीकार कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं मैं परमेश्वर का कहलाता हूं। बोलिया मैं परमेश्वर का कहलाता हूं, मैं परमेश्वर का कहलाता हूं, मैं परमेश्वर का कहलाता हूं। मुझे परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए सृजा है,
मुझे परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए सृजा है, मुझे परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए सृजा है, मुझे परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए सृजा है, परमेश्वर ने मुझको रचा है, परमेश्वर ने मुझको बनाया है, परमेश्वर ने मुझको रचा है, परमेश्वर ने मुझको बनाया है। आप अपना कॉलर ऊंचा करके बोलिए हालेलुया, आप सिर उठाकर बोलिए परमेश्वर ने मुझे रचा है, परमेश्वर ने मुझे रचा है, परमेश्वर ने मुझे बनाया है, परमेश्वर ने मुझे अपनी महिमा के लिए सृजा है, मैं परमेश्वर का कहलाता हूं। हम परमेश्वर वाले हैं, हम परमेश्वर वाले हैं, हम हालेलुया वाले हैं, ये तो हालेलुया वाले हैं, हम हालेलुया वाले हैं, हम परमेश्वर के कहलाते हैं, हम परमेश्वर वाले हैं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सो परमेश्वर कहते हैं हर एक को, हर एक को, आप सबको कहते हैं, आप सब सबसे बात करते हैं, हर एक को कहते हैं जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सजा है, जिसको मैंने रचा है, जिसको मैंने बनाया है। हालेलुया, यह मामूली बात नहीं है। सृजनहार परमेश्वर कहता है मैंने तुझे मैंने रचा है, आपसे कह रहा है, आपसे कह रहा परमेश्वर मैंने रचा है तुझे, तो मैंने सृजा है तुझे, तो मैंने बनाया है तुझे, तो तू तो मेरा कहलाता है। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर कहते हैं, पांच वचन पढ़िएगा, परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, परमेश्वर तुझे कहते हैं, परमेश्वर आपसे कहते हैं मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, 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 क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर कहते हैं मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, किसी भी बात को लेकर मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरा कहलाता है, मैंने अपनी महिमा के लिए तुझे सृजा है, मैंने तुझे रचा है, मैंने तुझे बनाया है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया हालेलुया। और चार वचन पढ़िए, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं मेरी दृष्टि में तू अनमोल है, मेरी निगाह में तू अनमोल है, मेरी निगाह में तू अनमोल है। हालेलुया हालेलुया। मेरी निगाह में तू अनमोल है। आज से परमेश्वर कहते हैं, आपको परमेश्वर कहते हैं मेरी निगाह में तो तू अनमोल है, मेरी निगाह में तो तू अनमोल है। अनमोल वस्तुओं को संभाल 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 रखते हैं क्योंकि वो अनमोल है। अनमोल वस्तुओं को फेंकते नहीं है, अनमोल वस्तुओं को कचरे में नहीं फेंकते, अनमोल वस्तुओं को ऐसे भी नहीं फेंकते, अनमोल वस्तुओं को कमरे के अंदर, अलमारी के अंदर, अलमारी की और अलमारी के अंदर, उसके आगे और अलमारी के अंदर, लॉक 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 लॉक। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि वो अनमोल है, अनमोल को हम लोग संभाल के रखते हैं। परमेश्वर कहते हैं तू तो मेरा कहलाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरी निगाह में तो तू अनमोल है। लोग क्या कहते हैं, लोगों की निगाह में क्या है, लोग तो ऐसा देखते हैं जैसे कोई अफीम बेचने वाला हो, जैसे कोई आतंकवादी हो, जैसे पता नहीं क्या है, ये क्या है, कुछ कुछ दूसरी धरती दूसरे ग्रह से हम लोग उतरे हुए हों, लेकिन परमेश्वर की निगाह में हम अनमोल है, परमेश्वर की निगाह में हम अनमोल हैं। परमेश्वर कहते हैं मेरी दृष्टि में तू अनमोल है। आपसे कह रहे हैं परमेश्वर, मेरी दृष्टि में तू अनमोल है और
मेरी दृष्टि में तू प्रतिष्ठित ठहरा है, मेरी निगाह में तू आदर योग्य ठहरा है, मेरी निगाह में तू आदर योग्य ठहरा है, परमेश्वर की निगाह में मैं आदर योग्य हूँ, परमेश्वर की निगाह में मैं आदर योग्य हूँ, परमेश्वर की निगाह में मैं अनमोल हूँ, कहिए परमेश्वर की निगाह में मैं अनमोल हूँ, परमेश्वर की निगाह में मैं आदर योग्य हूँ, परमेश्वर की निगाह में प्रतिष्ठित हूँ। हालेलुया हालेलुया। और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। हालेलुया हालेलुया। कोई बड़ा सा नेता कहे मुझे कहे बिशप साहब चिंता ना करो मैं आपसे प्रेम रखता हूँ, कितना आप खुश होते हैं। हालेलुया। किसे बड़े आदमी ने बोल दिया मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आपसे कह रहे हैं मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। मैं आपको बताऊं जिनको कुछ अभी समझ भी नहीं है, पंजाबी कहते हैं जिन्हां दी नली वगदी है नाक से, जिनको मतलब कोई सुधी बुद्धि नहीं उसको साफ ही करना पड़ना, परमेश्वर कहते हैं मैं तुझसे प्रेम करता हूं। हालेलुया हालेलुया। आप कैसे भी हैं, पढ़े लिखे हैं चाहे नहीं पढ़े लिखे, शहर से आए गांव से आए कैसे भी हैं, परमेश्वर कहते हैं मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। परमेश्वर आपसे कहते हैं मैं तुझसे प्रेम रखता हूं, मैं तुझसे प्रेम रखता हूं, मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। और आप कहें परमेश्वर मुझसे प्रेम रखते हैं, 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 परमेश्वर की निगाह में मैं अनमोल हूं, परमेश्वर की निगाह में मैं आदर योग्य हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर का कहलाता हूं, परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए मुझे सृजा है, परमेश्वर ने मुझे रचा है, परमेश्वर ने मुझे बनाया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप सबसे अलग हो, हालेलुया। आप सबसे खास हो, आप सबसे अलग हो, आप चुने हुए लोग हो, हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर के कहलाते हैं, आप परमेश्वर के कहलाते हैं, परमेश्वर कहते हैं मैं तुझसे प्रेम रखता हूं, इस कारण मैं तेरे बदले, इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को, मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में, तेरे प्राण के बदले में राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा, राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा, तेरे बदले में छड़ौती में। मान लो पहले समय में जो डाकू होते थे वो फिरौती मांगते थे, किसी को लेके और फिरौती मांगते थे, इतने लाख दे दो और ये ले जो बंदा। परमेश्वर कहते हैं तेरे बदले में मैं तेरे प्राण को बचाने के लिए, तेरी जान को बचाने के लिए मैं राज्य राज्य को देना पड़े तो राज्य राज्य को दे, राज्य भी दे दूंगा। हालेलुया। तेरे प्राण के बदले राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा, ये ले लो सब, लेकिन ये मेरा कहलाता है, ये मेरा कहलाता है, ये बेटी मेरी कहलाती है, इस बेटी को मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है, इस बेटी को मैंने रचा है, इस बेटी को मैंने बनाया है, ये बेटी मेरी दृष्टि में अनमोल है, ये बेटी मेरी दृष्टि में आदर योग्य ठहरी है, इस बेटी से मैं प्रेम रखता हूं और इसके प्राण के बदले में बाकी सब राज्य राज्य के लोगों को ले ले, लेकिन इसके प्राण नहीं। हालेलुया हालेलुया। मैं तुझसे प्रेम रखता हूं इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। हालेलुया।
और तीन वचन, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। दो वचन, मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। जब तू जल में होकर जाए, जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, मैं तेरे संग संग रहूंगा। जल में होकर जाए, लाल समुंदर आ गया, परमेश्वर संग संग थे, समुंदर ने रास्ता दे दिया, यर्दन ने रास्ता दे दिया। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, क्योंकि तू मेरा कहलाता है, क्योंकि मैंने तुझे अपनी महिमा के लिए सृजा है। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे ना डुबा सकेगी। अगर तू नदियों में होकर चले, तो वो नदियां तुझे डुबा ना सकेंगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आंच न लगेगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आंच ना लगेगी, और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी। आग की लो तुझे जला ना सकेगी। क्यों? क्योंकि तू मेरा कहलाता है, क्योंकि तुझे मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है। मैंने तुझे रचा, मैंने तुझे बनाया है, मेरी निगाह में तू अनमोल है। तेरे बदले में मैं राज्य राज्य को लोगों को दे दूंगा, लेकिन तुझे आग जलाना सकेगी। शद्रक मेशक एब्दनगो की तरह। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन, हे इज़राइल तेरा रचने वाला, और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यों कहता है। हालेलुया, मत डर। तेरा रचने वाला, तेरा रचने वाला, तेरा रचने वाला, तेरा सृजनहार, तेरा सृजनहार, तेरा सृजनहार, तेरा रचने वाला, तेरा सृजनहार, तेरा रचने वाला, तेरा सृजनहार, तेरा रचने वाला, तेरा सृजनहार यहोवा यूं कहता है, मत डर, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया। मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। आपको परमेश्वर ने नाम लेकर बुलाया है, आपको परमेश्वर ने लाखों लोगों के बीच में नाम लेकर बुलाया है, आपको परमेश्वर ने नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मत डर, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं तू मेरा ही है, तू मेरा ही है, तू मेरा ही है, तू मेरा ही है, तू मेरा ही है। मत डर, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा कहलाता है। मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है, इसलिए तू मेरा कहलाता है। मैंने अपनी महिमा के लिए तुझे सृजा, मैंने तुझे रचा है, मैंने तुझे बनाया है। मेरी दृष्टि में तू अनमोल है, मेरी दृष्टि में तू आदर योग्य है। मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, मैं तेरा रचने वाला और मैं तेरा सृजन वाला यहोवा हूँ। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। कौन कह रहा है? परमेश्वर। हालेलुया। दस और ग्यारह वचन पढ़िए, कौन कह रहा है? दस और ग्यारह, यहोवा की वाणी है। किसकी वाणी है? यहोवा की वाणी है। तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और ये जान लो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ, मुझसे पहले कोई परमेश्वर
नहीं हुआ, और ना मेरे बाद कोई होगा, ना ही मेरे बाद कोई परमेश्वर होगा। परमेश्वर क्या कहते हैं? ना मुझसे पहले कोई परमेश्वर हुआ, ना ही मेरे बाद कोई परमेश्वर होगा। मैं ही यहोवा हूँ, मैं ही यहोवा हूँ, मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं, मुझे छोड़ कोई उद्धार करता। एक ही परमेश्वर हूँ मैं, एक ही परमेश्वर हूँ मैं। मुझसे पहले कोई परमेश्वर नहीं था, मेरे बाद में कोई परमेश्वर नहीं था, एक ही परमेश्वर हूँ मैं, और उसी परमेश्वर ने तुझे नाम लेकर बुलाया है। उसी परमेश्वर ने तुझे नाम लेकर बुलाया है। वही परमेश्वर कहता है, तू मेरा कहलाता है, तू मेरा कहलाता है। 13वां वचन पढ़िए। मैं ही परमेश्वर हूँ। परमेश्वर क्या कहते हैं? मैं ही परमेश्वर हूँ, और भविष्य में भी मैं ही हूँ। भविष्य में भी मैं ही हूँ, मैं ही परमेश्वर रहूंगा। अभी भी मैं ही परमेश्वर हूँ, भविष्य में भी मैं ही हूँ। हालेलुया। 16वां वचन पढ़िए। यहोवा जो समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा में पथ बनाता है, जो यहोवा परमेश्वर जो समुद्र में मार्ग बना देता है। हाँ, यहोवा जो समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा में पथ बनाता है। 16वां वचन। यहोवा जो समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा में पथ बढ़ाता है। हालेलुया। मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र, इज़राइल का सृजनहार, तुम्हारा राजा हूँ। हालेलुया। 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 वो परमेश्वर आपसे कहते हैं, जो जो कहते हैं, ना तो पहले कोई परमेश्वर हुआ, ना ही मेरे बाद में कोई होगा। मैं ही परमेश्वर हूँ, मैंने ही तुम्हें सृजा है, मैंने ही तुम्हें बनाया है, मैंने नाम लेकर तुम्हें अपने पास बुला लिया। फिर पहले तुम्हें सृजा, तुम्हें रचा है और बनाया है, और फिर मैंने नाम लेकर तुम्हें बुला लिया मेरे पास, कि मेरे पास आ जाओ। हमने नहीं चुना, परमेश्वर ने हमें चुना है। हालेलुया। और नाम लेकर बुलाया परमेश्वर ने, नाम लेकर बुलाया आपको। तेरा रचने वाला, तेरा सृजनहार यहोवा है। हालेलुया। 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 होरा बाशिदा रखा ला बसादा रखा रा बसादा बरा रा बा। हालांकि ये जो मुझे लिखवाया गया है, परमेश्वर मुझसे कह रहे थे, मैं थोड़ा व्याकुल था और प्रभु से विनती कर रहा था कि मुझसे बात करें, तो परमेश्वर ने मुझसे एक एक बात कही और मैंने लिखी। हालेलुया। परमेश्वर मुझसे कहा, तू मेरा कहलाता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझसे कहा था, मैंने अपनी महिमा के लिए तुझे सृजा है। परमेश्वर ने मुझसे कहा, मैंने रचा, मैंने तुझे रचा है और मैंने तुझे बनाया है। परमेश्वर मुझसे कहा, जब मैं चिंता में था, परमेश्वर मुझसे कहा, जब मैं भय में था कि पता नहीं क्या होगा, परमेश्वर मुझसे कहा, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मेरी दृष्टि में तो अनमोल है, मेरी दृष्टि में तो आदर योग्य है, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, तेरे प्राण के बदले में राज्य राज्य के प्राणों को दे दूंगा, क्योंकि मैं युवा तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा रचने वाला हूँ, मैं तेरा सृजनहार हूँ, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है, तू मेरा ही है, तू मेरा ही है। और मुझे नहीं मालूम था कि उस दिन क्या घटना होने वाली थी। परमेश्वर ने पहले एडवांस में वचन दे दिया मुझे बात की, और दोपहर के बाद घटना होगी। सब बातें नहीं आपको बता पाते, दोपहर के बाद वो घटना हुई। मैंने कहा, परमेश्वर ने मुझे पहले कहा। हालेलुया। 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 अब अंगीकार कीजिए। आपका कितना सीना चौड़ा हो जाता है
जब परमेश्वर कहते हैं तू मेरा ही है, तू मेरा ही है, अरे भाई मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया, परमेश्वर कहते हैं पुत्र मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं हालेलुया, परमेश्वर कहते हैं आपका नाम लेकर कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं हैप्पी, तू मेरा कहलाता है, मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है। परमेश्वर कहते हैं हालेलुया, आप लोगों का नाम लेकर कहते हैं परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। हार तो आप अंगीकार अंगीकार कीजिए, हालेलुया, 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 हालेलुया। आप मेरे पीछे बोल के एक अंगीकार कर सकते हैं, हे परमेश्वर मैं तेरा कहलाता हूं, हे परमेश्वर आपने मुझे अपनी महिमा के लिए सृजा है, हे परमेश्वर आपने मुझे रचा और आपने मुझे बनाया है। आप मुझसे कहते हैं मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैं परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हूं, मैं परमेश्वर की निगाह में आदर योग्य हूं, परमेश्वर मुझसे प्रेम रखते हैं, मेरे प्राण के बदले में परमेश्वर राज्य राज्य के लोगों को दे देंगे, क्योंकि मेरा परमेश्वर जो हुआ है मेरा रचने वाला मेरा सृजनहार यहोवा है, उसने मुझे नाम लेकर बुलाया है, मैं परमेश्वर का हूं, मैं परमेश्वर का हूं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। अब आप समझे थोड़ा सा, कितने लोग समझ गए कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, 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 परमेश्वर आपसे रमन पीछे बात करके आप समझे, समझे परमेश्वर परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। अच्छा अच्छा आज कितने लोग बीमारियों से चंगाई पाना चाहते हैं, दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाना चाहते हैं, दुष्ट आत्मा वाला तो एकादे होगा, को है दुष्ट आत्मा वाला जिसको दुष्ट आत्मा चिंबड़ी है, मेरी बात समझ नहीं आ रही, ओके ओके ठीक है। कितने लोग बीमारियां से चंगा होना चाहते हैं, चलो चलो, कितने लोग आशीष पाना चाहते हैं, सभी लोग आशीष पाना चाहते हैं, देखिए आप परमेश्वर के प्रेम को समझे, कौन कह रहा है मैं तुझसे प्रेम करता हूं, परमेश्वर वो परमेश्वर जो कहता ना तो मैं पहले मेरे से कोई परमेश्वर हुआ और ना बाद में कोई परमेश्वर होगा, वो परमेश्वर जिसने आपको सृजा, जिसने आपको रचा, जिसने आपको बनाया, वो परमेश्वर आपसे कहते हैं तू मेरा कहलाता है, वो परमेश्वर आपसे कहते हैं मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है, मैं तेरा रचने वाला हूं, मैं तेरा सृजनहार हूं,
मैं तेरे संग संग रहूंगा, मैं तेरे संग संग रहूंगा। हालेलुया। तो वो परमेश्वर जो आपसे कहते हैं कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, वो क्या आपके दुखों को नहीं देख रहे? वो आपसे प्रेम करते हैं। अनमोल वस्तु है आप उसके लिए, आप उसके लिए अनमोल हैं, आप उसके लिए बहुमूल्य हैं। हालेलुया। काश आप परमेश्वर की इस गहराई की बात को समझ पाते हैं। क्योंकि जब मैं कहूं एक लंगड़ा था, बाइबल में लिखा है वो परमेश्वर मसीह के पास आया, परमेश्वर मसीह ने कहा उठ और मंजी चक और घर जा, और वो लंगड़ा चंगा हो गया। ये तो आपको जल्दी समझाया जाएगा, ये परमेश्वर मसीह ने ये सब चमत्कार कर दिया। पांच रोटियों से 5,000 लोगों को खिला दिया, ये तो जल्दी समझ आ जाएगा। याद रखें, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, 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 परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने बच्चों से प्रेम करते होंगे, आप अपने परिवार के लोगों से प्रेम करते होंगे, आप अपने पिता और अपनी माता से प्रेम करते होंगे, आप अपने बेटे से बेटी से प्रेम करते होंगे, और वो जब बीमार हो जाता है आपको चिंता नहीं होती? वो अच्छा बेटा बीमार है, छोटा सा बच्चा, आज बच्चा बीमार है, पड़ा रहने दो इसे, आप कहते हो? नहीं कहते, आप नहीं कहते, आप नहीं कहते। अगर बच्चा बीमार, आप नहीं कहते बीमार इसको पड़ा रहने दो। अगर वो दुख में है, अगर वो पीड़ा में है, अगर वो संकट में है, अगर वो परेशानी में है, आप नहीं कहते ये पड़ा रहने दे सर, आप नहीं कहते। आप क्या करते हैं? उसका जो आप कर सकते हैं आप अपना जी जान लगा देते हैं, क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं। मां कहती है इसको मैंने अपने 9 महीने अपने पेट में रखा है, मैंने इसे जन्मा है। हालेलुया। पिता कहता है ये मेरा कहलाता है, ये मेरा कहलाता है। हालेलुया। अच्छा ये तो उसका लड़का है, ये तो उसकी बेटी है। हालेलुया। जब आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने पिता को, माता को, बेटे या बेटी को आप सह नहीं सकते कि वो बीमार है, तो क्या परमेश्वर जो आपसे प्रेम करता है कैसे सहता है? उसने आपको चंगाई देने के लिए आपकी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया। लिखा हुआ है पर यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। पर यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया, हालेलुया। पर यीशु मसीह ने आपके हर एक बीमारी को, आपके हर एक रोग को, आपके हर एक संकट को, आपके हर एक परेशानी को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। वो नहीं चाहते आप बीमारी में पड़े रहे, वो नहीं चाहते आप रोगों में पड़े रहे, वो नहीं चाहते कि आप अंधकार में पड़े रहे, दुख में पड़े रहे, संकट में पड़े रहे, क्योंकि आप परमेश्वर की निगाह में आप अनमोल हैं, अनमोल हैं। इसलिए आज परमेश्वर आपको चंगाई देने जा रहे हैं, आपको चंगाई देने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने जग से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, अर्थात परमेश्वर मसीह, जो कि उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि सदैव जीवन पाए, यूहन्ना 3:16 में लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए वो आपको चंगाई देना चाहते हैं। परमेश्वर
ने आपको ना लेकर नाम लेकर बुलाया है, इसलिए वो आपको चुंगाई देने जा रहे हैं, इसलिए वो आपको छुटकारा देने जा रहे हैं, इसलिए वो आपको आशीष देने जा रहे हैं, इसलिए वो आपको नया बनाने जा रहे हैं, क्योंकि उसने आपको रचा, उसने आपको बनाया, उसने आपको अपनी महिमा के लिए रचा है। आप परमेश्वर के कहलाते हैं, वो आपको चुंगाई देना चाहते हैं। वो परमेश्वर आपके दुखों को, आपकी बीमारियों को देख नहीं सकता, वो चाहते हैं कि आप बिल्कुल चंगे भले रहें। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इसके साथ ही जैसे लुका 11 अध्याय में लिखा है, 9 वचन से 13 वचन तक जब हम लोग पढ़ते हैं, लिखा है तुम में से ऐसा कौन पिता है जो उसका बेटा रोटी मांगे तो पिता उसे पत्थर दे, ले मिट्टी खा ले। लिखा है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा, वहां लिखा है अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हालेलुया, वो आपको पवित्र आत्मा देना चाहते हैं, वो आपको छुटकारा देना चाहते हैं, वो आपको चंगाई देना चाहते हैं, वो आपको पापों को क्षमा देना चाहते हैं, वो आपको अनंत जीवन देना चाहते हैं। परमेश्वर जो आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर की निगाह में आप अनमोल हैं, परमेश्वर की निगाह में आप आदर योग्य हैं। उसी ने आपको रचा है, उसी ने आपको बनाया है और अपनी महिमा के लिए परमेश्वर ने रचा है। हम परमेश्वर के कहलाते हैं और वह परमेश्वर कहता है मत डर, इस बीमारी से मत डर, इस संकट से मत डर, इस रोग से मत डर, इस दुष्ट आत्मा से मत डर, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है, तू मेरा ही है, तू मेरा ही है। हालेलुया, हालेलुया।